बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कीर्ति नागरिकता बना के मनी ट्रांसफर से पैसा निकालत बिरिया कलैया से दू जने पकड़ाइल। मोबाइल चार्ज करके बहाने में की युवती से सामूहिक बलात्कार, दू जने पुलिस हिरासत में। सामुदायिक वन के अध्यक्ष आ कोषाध्यक्ष 1,60,000 घूस सहित गिरफ्तार। पप्पू कंस्ट्रक्शन 1 वर्ष के खातिर कालो सूची में। जेएनयू आक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन। आलियो क्वार्टर एक ही ओवर में 6 छक्का प्रहार करके बननी विश्व के ही 7वां क्रिकेटर। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हूं। हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। बारा के कलैया उपमहानगर पालिका स्थित कलैया बाजार से कृत्य नागरिकता बना के विभिन्न व्यक्ति के नाम में मनी ट्रांसफर से पैसा निकालत बेरिया दू जने के आज दोपहरिया प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव करे वाला में रौतहट गौरा नगर पालिका चार रहे वाला 26 वर्षीय सुरेंद्र शाह आ गढ़ी में नगर पालिका गम्हरिया टोल रहे वाला श्याम चौधरी रहल बानी। उ लोग सिमरौनगढ़ नगर पालिका कचोरवा घर होके हाल मलेशिया बैठे वाला कृष्ण शाह संगे मिलके कीर्ति नागरिकता बना के शिवम मनी ट्रांसफर से 95,000 रुपया निकालत अवस्था में प्रहरी पकड़ाव कैले बा। साथे उ लोग परसौनी गांव पालिका 6 प्रस्टोका रहे वाला एक व्यक्ति के नाम में न्यू एशियन मनी ट्रांसफर से 1,00,000 रुपया आ खजान टोल रहे वाला एक व्यक्ति के नाम में आरके इंटरप्राइजेस से 60,000 रुपया निकालल अनुसंधान से खुलल बा। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान शुरू कैले बाटे। सिराहा के एक लड़की मोबाइल के कारण सामूहिक बलात्कार के शिकार भइल बाड़ी। मोबाइल चार्ज करते हुए के बहाना में बीतल रात सिराहा में एक युवती ऊपर सामूहिक बलात्कार भइल बाटे। जिला के गोलबाजार नगर पालिका सिराहा के ही विष्णुपुर गांव पालिका घर भइल युवती ऊपर सामूहिक बलात्कार के प्रयास भइल बाटे। घर से गोल बाजार में आ रहल बेरिया उक्त युवती के मोबाइल ऑफ भइले बाद मोबाइल चार्ज करेला वहां के उहे जगह के मनकामना हेयर कटिंग सैलून में पुगल रहने। उक्त सैलून में पहले से ही रहल धनगढ़ी नगर पालिका 8 बहुआ डांडा के सुरेश कुमार यादव आ गोल बाजार 2 गुरुधाम के संतोष मेहता हमर डेरा में चार्जर बाटे ओतहा जाके मोबाइल चार्ज करी कहके कहत डेरा में ले जाके जबरदस्ती कर निकल प्रहरी चले बा। खुद बलात्कार भले बाद युवती सड़क में आके रोला बाद उक्त घटना सार्वजनिक भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजार के प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक जनकपुरी बतानी स्थानीय से खबर कैले बाद तत्काल ओतहा पहुँच के प्रहरी युवती के उद्धार कैले के साथे बलात्कार करे वाला दुनू पुरुष के समेत पकड़ाव कैले बा। कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 12 स्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष कुबेर थापा आ कोषाध्यक्ष मोहन बहादुर सिंह 1,60,000 रुपया घूस सहित पकड़ाव पड़ल बानी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के महेंद्र नगर स्थित कार्यालय से खटल टोली से सामुदायिक वन के अध्यक्ष थापा आ कोषाध्यक्ष सिंह के 1,60,000 रुपया घूस सहित पकड़ाव कैल गेल बाटे। सामुदायिक वन क्षेत्र भीतर पड़े वाला कानी खोला पुल नजीक से माटी झीके के कहत लिहल घूस सहित अध्यक्ष थापा आ कोषाध्यक्ष सिंह पकड़ाव पड़ल बानी। दोनों जने के घूस ले चुकल अवस्था में सामुदायिक वन के कार्यालय से नियंत्रण में लिहल अख्तियार जनैले बाटे। घूस सहित पकड़ाव पड़ल दोनों जने ऊपर था अनुसंधान हो रहा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कंचनपुर महेंद्र नगर कार्यालय जानकारी देले बाटे। सरकार से पप्पू कंस्ट्रक्शन के 1 वर्ष के खातिर काल सूची में राखल गेल बाटे। सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय से आज एक सूचना जारी करके रमन पप्पू जेबी के करिया सूची में राखल गेल जनालू बाटे। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अंतर्गत रहल सार्वजनिक खरीद अनुगमन के कार्यालय से उक्त कंपनी के 1 वर्ष के खातिर करिया सूची में राखे के जनैले बा। 2076/21 गते से लागू होय वाला कर के सार्वजनिक खरीद N-2063 के दफा 63 के उप दफा 1 बमोजिम करिया सूची में राख खल गैल कार्यालय जनैले बा। करिया सूची में रहल समय में रमन पप्पू जे भी से सार्वजनिक नेके के कोनो भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेवे ना सकी। हुलाकि सड़क निर्देशनालय के सिफारिश अनुसार पप्पू कंस्ट्रक्शन के करिया सूची में राखल गैल बाटे। रौतहट के इसनाथ नगर नंबर 3 औरैया में लगावल लागू औसत गांजा खेती रौतहट प्रहरी नष्ट कैले बाटे। इसनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 औरैया में अवैध रूप में करीब 5 धूर जमीन में लगावल गेल औसत
गांजा बिरुआ रोपल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहटा माताहत प्रहरी चौकी औरैया से खटल संयुक्त प्रहरी टोली से नष्ट कैले बाटे। उक्त गांजा खेती किए कैले बा कहके अनुसंधान हो रहल रौतहट प्रहरी बतैले बा। काल से घाम लागल काठमांडू में बिहान से फेरू बादल आ वर्षा होके के संभावना देखल गेल बाटे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से आज से नेपाल में फेरू पश्चिमी वायु के प्रभाव पड़े वाला भइला से देश भर के मौसम प्रणाली में प्रभावित होके के बतावल गेल बा। महाशाखा के अनुसार पश्चिमी वायु के प्रणाली आज दोपहरिया से सुदूर पश्चिम से नेपाल प्रवेश करी। मौसम संबंधी विशेष बुलेटिन जारी करत महाशाखा से पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के कारण आज सांझिया आ मंगर के दिन देश के बहुत जगह में आंशिक से सामान्य बदली रहकर पश्चिमी उच्च हिमालय भूभाग में हल्का से मध्यम हिमपात तथा पश्चिमी पहाड़ी भूभाग में हल्का वर्षा के संभावना रहल जनाल गेल बा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय से रेलवे के विकास आ विस्तार के खातिर रेलवे केंद्रीय कार्यालय होके वाला करके बोर्ड स्थापना करे वाला भइल बाटे। उक्त बोर्ड में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री चाहे राज्य मंत्री अध्यक्ष अर्थ मंत्रालय उद्योग कानून गृह सामान्य प्रशासन यातायात मंत्रालय के सचिव चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर दू जने रेलवे प्रशासक सदस्य सचिव रह के व्यवस्था कल गेल बाटे। मंत्रालय से रेलवे संबंध में व्यवस्था करे ला बनल विधेयक तैयार कल गेल बाटे। विधेयक के दफा 33 के उप दफा 4 में रेल के टिकट न लेला में यात्रा करे वाला के 25,000 जरिमाना करे के प्रस्ताव पेश कल गेल बाटे। कोनो व्यक्ति से टिकट व यात्रा अनुमति पत्र न लेके यात्रा कैल मिलला में भाड़ा वसूलल जाय। यदि भाड़ा रकम न बुझेला में अब बुझावे से इनकार कैला में भाड़ा वसूली करके थप 25,000 रुपया जरिमाना कर सके के विधेयक में उल्लेख बाटे। अब के एक महीना में नेपाल के अपने रेल आवे वाला भइला बाद मंत्रालय से नीतिगत पूर्व तैयारी कैले बा। तत्काल के भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था जनकपुर तक रेल यातायात सेवा संचालन होत आयल बा। भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में भइल आक्रमण के विरोध में नेपाल में प्रदर्शन भइल बाटे। प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी समेत सहभागी भइल रहे। उ लोग खुद से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहला संगे फांसीवाद मुर्दाबाद हिंसा से प्रजातंत्र के गिजावल गेल बाटे। विश्वविद्यालय लड़ाई के मैदान नहा आदि नारा लिखल गेल प्ले कार्ड बोकल रहे लोग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीतल रात भइल आक्रमण के नेपाल में विभिन्न विद्यार्थी संगठन आ नेता लोग भी विरोध जनाइले बा। नेपाल में बरसिनी 3 अरब बराबर के मच्छरित होत आइल बारा के कलैया में काल बतावल गेल बाटे। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ पर्षद के आयोजन में भइल उक्त कार्यक्रम में ऐसा बतावल गेल बा। बारा के कलैया स्थित उद्योग वाणिज्य संघ के सभा कक्ष में मत्स्य बीमा संबंधी अभिमुखीकरण गोष्ठी में ऐसा जनावल गेल बाटे। गोष्ठी में भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्षद के प्रमुख राम परिचन शाह से सहजीकरण करत नेपाल में विदेश से ऐसा मछरी आयात होकर कल जनावल गेल बाटे। बारा से सुकुटी माछा समेत अन्य जगह में जा रहल उनकर कह नाम रहल बा। कृषि केंद्र बारा के प्रमुख जितेंद्र यादव के अध्यक्षता में उक्त गोष्ठी भइल रहे। बादल खबर में अभी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89.5 MHz सिमरौनगढ़ बारा। इतना सवेरे सवेरे कहाँ जाता रू? बैंक में खाता न खोले के बा वही खातिर कलैया जाता नहीं। खाता खोले खातिर अब कलैया गईला के कोनो जरूरी नहीं खे। हाँ कैसे जरूरी नहीं खे, इन्हें लग में कोनो बैंक बा जे खाता खुली। बानू अपने पचरौता बेनौली में एनएमई बैंक आनु गईल बा जहाँ फ्री में लोग खाता खोलवा रहल बा। हमनी तो ओतहा खाता खोल चुकल बानी, अब कलैया गईला के झंझट छोड़ आ जाके ओतहा तू भी खाता खोल। जी हाँ, नेपाली बैंकिंग क्षेत्र में एक सफल बैंक एनएमबी बैंक के शाखा अब अपने के नजदीक पचरौता बेनौली में आ गई बा। ग्राहक के इच्छा अनुसार के सुलभ आ स्तरीय सेवा देत आ रहल सुविधा संपन्न ई एनएमबी बैंक में विदेश से डायरेक्ट खाता में पैसा आ जाए, पैसा निकाले में तनको झंझट नहीं थी। अच्छा ब्याज दर आ रेमिटांस के सुविधा, पैसा डाले के आ निकाले में बिल्कुल आसान बा। साथ ही अन्य बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध बाटे। ग्राहक प्रति पूर्ण रूप में समर्पित एनएमबी बैंक पचरौता बेनौली में आज हुए खाता खोली अपन इच्छा अनुसार की सेवा प्राप्त करें। विशेष जानकारी खातिर एनएमबी बैंक पचरौता बेनौली में जाके संपर्क करें। एनएमबी बैंक समृद्ध नेपाल के खातिर। खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी
अब हमनी के सिमरौनगढ़ नगर पालिका में रहल सिमरौनगढ़ स्वास्थ्य चौकी में MBBS डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क इलाज हो रहल बा। जैसे संपूर्ण बीमारी के इलाज के साथ साथ परिवार नियोजन सेवा, गर्भवती चेक जांच और नेपाल सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण कार्यक्रम दक्ष स्वास्थ्य कर्मी द्वारा संचालन हो रहल बा। साथ ही यहाँ खून, दिशा, पेशाब के चेक जाँच के खातिर लैब के भी व्यवस्था कैल गेल बा। ऐसे संपूर्ण नगर वासी लोग से अनुरोध कल जाता कि सेवा के मौका लेके फायदा उठावल जाओ। याद रखी यह महीना के बाद से रेबीज के सुई भी इहे लगावल जाए। सिमरौनगढ़ स्वास्थ्य चौकी संपूर्ण परिवार, सिमरौनगढ़ नगर पालिका 12। विशेष जानकारी खातिर मनु यादव, संपर्क मोबाइल नंबर 9844455154। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 MHz सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। बाकी के खबर, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस यह पूछ 26 से लेके 28 गते तक यानी 3 दिन तक उत्सव के साथ रूप में मनावे वाला भइल बाटे। पार्टी से देश भर के सभी जिला कार्य समिति से राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के योगदान एवं नेपाल के एकीकरण के अभियान प्रति श्रद्धा सम्मान लगाए थे, अन्य विविध कार्यक्रम के आयोजना करेला निर्देशन दिले बाटे। ये पूछ 27 गते पार्टी से पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में शुभकामना तथा चियापान आयोजना कैले बाटे। सामाजिक जीवन के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा पार्टी सदस्य सबके सहभागिता के खातिर 10,000 निमंत्रण कार्ड वितरण करे के पार्टी के नेता देवेंद्र प्रधान जानकारी देनी। पार्टी से ये पूछ 27 गते सार्वजनिक विदा समेत मांग कैले बा। न्यूजीलैंड में एक खिलाड़ी 6 छक्का प्रहार कैले बानी। न्यूजीलैंड के बैट्समैन लियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्का प्रहार करके विश्व के 7वां खिलाड़ी बने में सफल भइल बानी। कार्टर से ई उपलब्धि न्यूजीलैंड में ही हो रहल सुपर स्मार्ट T20 प्रतियोगिता में बैट्समैन कार्टर एक ओवर में 6 छक्का प्रहार कैले बानी। 25 वर्षीय बाएं हाथ बैट्समैन बायां हाथ के स्पिनर एंटन डिबीज के ओवर में 6 छक्का प्रहार कैले बानी। कार्टर से 29 बॉल में अभिजीत 70 रन बनैले पर उनका टीम 220 रन के लक्ष्य 7 विकेट से जीतले रहे। कार्टर घरेलू आ अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर में सभी प्रारूप में ई उपलब्धि हासिल करे वाला विश्व के 7वां क्रिकेटर बनल बानी। न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 छक्का प्रहार करे वाला कार्ट पहल का खिलाड़ी भइल बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी, रेडियो बादल 89 MHz द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 13 दोपहरिया 20 डिग्री सेल्सियस रहल रहे, आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:55 में बेर उगल रहे, सझिया 5:26 में बेर डूबल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कीर्ति नागरिकता बना के मनी ट्रांसफर से पैसा निकालत बिरिया कलैया से दूजने पकड़ाई। मोबाइल चार्ज करे के बहाना में एक युवती के सामूहिक बलात्कार, दूजने पुलिस हिरासत में। सामुदायिक बैंक के अध्यक्ष आकोषाध्यक्ष 1,60,000 घुसैत गिरफ्तार, पप्पू कंस्ट्रक्शन 1 वर्ष के खातिर करिया सूची में। JNU आक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन, आलियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्का प्रहार करके बननी विश्व के ही 7वां क्रिकेटर। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रोस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दिन नमस्कार।